हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये है सॉफ्ट बॉक्स जो कि मैंने क्रिएट किया है अपनी न्यू वीडियोस को शूट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जो भी लाइट आपको दिख रही है काफ़ी सॉफ्ट है और शेडोज़ बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो रही और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको लाइटिंग इफेक्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरह से मैंने इसे क्रिएट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चाहिए 5 चीज़ें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ वन बाई वन। सो ये है क्लोथ जो को आपको सबसे पहले चाहिए। आप शॉपिंग करते होगे तो आपको एक बैग जैसा कुछ मिलता होगा, सो वही मैंने सेम कट कर लिया है। आप पेपर भी यूज़ कर सकते हो बट ये पेपर से काफ़ी बेटर रहेगा और लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगा। सो फ्रेंड्स, सेकेंड चीज़ आपको जो चाहिए वो है अल्मोनियम फॉइल। फ्रेंड्स, ये भी आपको मार्केट में अराउंड 40 रुपीज़ की मिल जाएगी और इससे जो आपका सॉफ्ट बॉक्स बनेगा वो काफ़ी अच्छी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, थर्ड जो आपको चाहिए वो है एक कार्डबोर्ड बड़े साइज का, जिससे आपको 4 पीसेस कट करने हैं रेक्टेंगल और फिर फर्दर आपको उससे सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट करना है। सो फोर्थ आपको चाहिए फ्रेंड्स एक सीजर, जिसकी हेल्प से आप कट करोगे। आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हो बट मैं यहाँ टेबल पर वर्क कर रहा था इसलिए मैंने सीजर लिया। और फ्रेंड्स, आपको एक चाहिए पेन और साथ ही साथ आपको चाहिए टेप जो कि यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की है, और साथ ही साथ आपको चाहिए एक स्केल। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें चाहिए और साथ ही साथ आप डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो इस तरह का पेपर, जिससे काफ़ी अच्छा लुक आपको दिखेगा आपके लाइट बॉक्स का। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए इसे क्रिएट करने के लिए। सो मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से मैंने इसे क्रिएट किया है। सो सबसे पहले मैंने जो कार्डबोर्ड था उसे मेज़र किया था। सो 21 और 21 मैंने दोनों से डिवाइड कर लिया और फिर इसे कट कर लिया। सो फ्रेंड्स, मेनली आपको जो रेक्टेंगल का साइज़ रखना है वो आपका रहेगा 21 और 23। जो लेंथ रहेगी वो आपकी 23 रहेगी और जो ब्रेड्थ रहेगी वो रहेगी 21। सो इस तरह से मैंने रेक्टेंगल को कट कर लिया है। सो यहाँ से मुझे 2 रेक्टेंगल्स मिल गए हैं। सो हमें 2 और चाहिए, टोटल हमें 4 रेक्टेंगल्स चाहिए सॉफ्ट बॉक्स को क्रिएट करने के लिए। सो आपने देखा मैंने 4 सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट कर लिए हैं और इसकी जो डायमेंशन है वो है 23 एंड 21। सो ये है इसकी डायमेंशन, आप इस तरह से मेज़र कर सकते हो। और जो 23 है उसे अब हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आपको जो बीच में लेंथ लेनी है वो है 13। सो 13 मेज़र करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मेज़र कर लेना है और इस तरह का शेप क्रिएट करके दोनों साइड से कट कर देना है। सो सभी को हम इसी तरह से कट कर लेंगे कुछ इस शेप में। और 4 हमारे पास बोर्ड्स हैं, आप देख सकते हो, उन चारों को अब हम टेप की हेल्प से इस तरह से पेस्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये लाइट बॉक्स आपको काफ़ी कम प्राइस में आप बना सकते हो घर पे ही और काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट में मैं आपको शो करूँगा कि आप किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हो और किस तरह से मैंने यूज़ किया है। और उससे पहले आपको मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ कि इसे मैंने टेप की हेल्प से पेस्ट कर दिया और अब मैं जो अल्मोनियम फॉइल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करने में, उसे हम इसके इंटीरियर साइड में कुछ इस तरह से लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, इसकी हेल्प से आपको काफ़ी अच्छी जो लाइट है वो इमिट होगी, रिफ्लेक्ट होगी काफ़ी अच्छी तरह से। और अब मैं यहाँ पे स्टेपलर की हेल्प से इन कॉर्नर्स को स्टेपल कर दे रहा हूँ, जिससे ये बाहर नहीं निकलेंगे कॉर्नर्स और फॉइल जो है वो फिक्स हो जाएगी। सो फॉइल को मैंने काफ़ी अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। और अब ये जो क्लोथ जैसा ये जो हमारा बैग था जहाँ से मैंने ये कट किया था कैरी बैग से, सो उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप पेपर भी यूज़ कर सकते हो बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। सो ये काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो इसे कुछ इस तरह से अब मैं टेप सप्लाई कर दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा काम मैंने खुद अकेले किया इसलिए काफ़ी मुझे प्रॉब्लम भी आई, बट आप किसी का सपोर्ट लेके करोगे तो आपको जो टेप वगैरह अप्लाई करने में काफ़ी ईजी होगा। सो कुछ इस तरह से मैंने टेप्स को अप्लाई कर दिया
और इसके थ्रू हमारी जो लाइट है वो बाहर आएगी और काफ़ी सॉफ्ट लाइट आपको देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, मैंने लाइट के लिए लाइट सोर्स जो यूज़ किया वो है टेबल लैंप। आप मोबाइल होल्डर, बल्ब होल्डर भी यूज़ कर सकते हो, बल्ब को लगाकर होल्डर में। और फ्रेंड्स, ये है पेपर्स जिसकी हेल्प से हम थोड़ा सा इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो कुछ इस तरह से मैंने इस पे पेपर अप्लाई करके, गिफ्ट पेपर अप्लाई करके इसे काफ़ी अच्छा लुक दे दिया है। सो ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मुझे जो ड्राइंग्स में लाइटिंग थी वो सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। सो इसलिए मैंने ये दो सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट किए हैं जिसे मैं लेफ़्ट और राइट साइड में यूज़ करूँगा, और किस तरह से यूज़ करूँगा, कौन सी लाइट सोर्स यूज़ करूँगा वो मैं आपको लास्ट में शो करूँगा। और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करोगे, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँगा जो कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पर मैं स्टेपल कर दे रहा हूँ इसे, क्योंकि हर जगह पर आप टेप अप्लाई सिंगल हैंडेड खुद से टेप नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टेपल कर दिया और इसे जहाँ जहाँ टेप लगानी थी वहाँ पर टेप भी लगा दी है। सो कुछ इस तरह से मैंने इसे कवर अप कर दिया और काफ़ी अच्छा अब इसका लुक भी देखने को आपको मिल रहा है। सो आप इस तरह से इसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो था फर्स्ट पार्ट जिसमें हम इसे बॉक्स, सॉफ्ट बॉक्स का जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो बॉक्स है, उसे क्रिएट करते हैं। अब इसे हम यूज़ किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। सो आप देख रहे हो इस तरह का हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स है वो क्रिएट हो चुका है। सो इसे यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा अपनी टेबल लैंप जो मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर की थी। सो दो टेबल लैंप्स है मेरे पास, सो अभी मैं उसे ही यूज़ कर रहा था। सो फ्रेंड्स, जिसका फ्रंट फेस है आप देख रहे हो जहाँ से लाइट आ रही है, सो ऐसे जो लाइट है वो काफ़ी हार्ड होती है, और जहाँ भी फॉल होती है वहाँ से आपकी जो शेडिंग है वो फिर क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती। बट इससे जो आपकी लाइट है वो काफ़ी सॉफ्ट आएगी, और सॉफ्ट लाइट में जो आपकी जो शेडिंग है काफ़ी सही रहेगी, और शेडिंग को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी आपकी जो लाइटिंग है। सो आप देख रहे हो काफ़ी सॉफ्ट लाइट है और शेडोज़ भी काफ़ी कम क्रिएट हो रही है। सो फिलहाल मैं एक साइड से यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट लाइट को, सो दूसरी साइड भी आपको सेम इसी तरह से यूज़ करना है। और अब मैं आपको शो करूँगा एक ड्राइंग रख के जहाँ पर मैंने दोनों साइड में इस तरह की सॉफ्ट बॉक्स लगा दी है। सो अभी दोनों साइड में सॉफ्ट बॉक्स लगे हुए हैं, एक तो आपको विजिबल हो रहा है और एक ज़रा मैंने पीछे रखा हुआ है। सो अब देख रहे हो यहाँ पे शेडोज़ आपकी जो है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, वो बिल्कुल चली गई हैं शेडोज़, और शेडोज़ क्रिएट ही नहीं हो रही, काफ़ी कम हो रही है, और इसी तरह का रिज़ल्ट चाहिए होता है हमें ड्राइंग्स के लिए। सो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी आपको शेडिंग विजिबल हो रही है, लाइटिंग भी काफ़ी सही है। सो बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है, आप इस तरह से घर पे ही क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा आपको लाइटिंग जो सेटअप है वो क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।